लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल टेकमेनिया को और वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, फाइनली जियो ने अपने नए स्मार्टफोन का या फिर फीचर फोन जियो फोन को लॉन्च कर दिया है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको उसकी सारी डिटेल के बारे में बताऊंगा, तो आप बने रहिए और आपको जान जाएगी कि आपको जियो फोन कितने में पड़ेगा, आपको उसमें क्या स्पेसिफिकेशन मिल जाती है और उसके साथ साथ आपको क्या ट्रैफिक प्लान्स मिल जाते हैं। तो मेरा नाम है रौनक और आप देख रहे हैं मेरी चैनल टैग मेनिया। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज जियो फोन लॉन्च हो चुका है। तो जियो फोन आपको पहले तो मैं बता दूं उसकी प्राइस है 0 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, आपको ये फीचर फोन 0 रुपीज़ में पड़ेगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे मुकेश अंबानी ने क्या कहा है कि अगर आपको ख़रीदना है तो आप पहले 1500 रुपये पे कीजिए। उसके बाद क्या होगा कि 3 साल तक अगर आप वो फ़ोन यूज़ करते हैं तो 3 साल के बाद आपको 1500 रुपये वापस मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको जियो फ़ोन 0 रुपीज़ का पड़ेगा। तो अगर आपको उसको ख़रीदना है तो आप 24 अगस्त के बाद उसकी एप्लीकेशन या फिर उसकी वेबसाइट या फिर रिटेल स्टोर पे जाके आप उसको प्री बुकिंग करवा सकते हैं। तो 24 अगस्त के बाद आप जाइए और उसकी प्री बुकिंग करवा लीजिए। अगर उसके फीचर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको पहले तो 4G वॉल्टी सपोर्ट मिल जाता है। एक बेस्ट फीचर है जो कि है वॉइस कमांड का, जो कि आपको बेहतरीन तरीके से उसमें मिल जाता है। उन लोगों ने लाइव इवेंट में कुछ डेमो भी दिखाई दे तो आप वहाँ पे जाके वो देख सकते हैं। 4-way नेविगेशन मिल जाता है, उसमें आपको 2.4 इंच की डिस्प्ले मिल जाएगी, microSD कार्ड स्लॉट मिल जाएगा, उसमें आपको टॉर्च मिल जाएगी, FM रेडियो मिल जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आप उन लोगों ने 22 इंडियन लैंग्वेज का भी सपोर्ट दिया हुआ है। तो आप अगर कोई भी लैंग्वेज जानते हैं इंडिया की तो आप ये फ़ोन ईजिली यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ जियो ने उसकी जियो सिनेमा, जियो टीवी और जियो म्यूजिक ऐप उसमें प्री लोडेड आपको दे दिए, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ उन लोगों ने एक इमरजेंसी SMS का फीचर डाला हुआ है। तो अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो आप सिर्फ 5 नंबर का बटन प्रेस करेंगे तो आपके सिलेक्ट किए हुए लोगों को वो मैसेज मिल जाएगा कि आप इमरजेंसी में हैं। इन फ्यूचर अपडेट्स में आपको NFC का भी सपोर्ट मिल जाएगा, तो आप 1 टच पे कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे फीचर्स है इस स्मार्टफोन कहे या फिर फीचर फ़ोन, लेकिन बहुत ही अच्छे यहाँ पे आपको फीचर मिल जाते हैं। अब और उसके साथ साथ तो उन लोगों ने कुछ ट्रैफिक प्लान्स भी किया है जियो कस्टमर्स के लिए। तो इसमें क्या होगा कि आप यहाँ पे 153 पे करने के बाद आपको फ्री वॉइस, SMS, अनलिमिटेड डेटा और जियो एप्लीकेशन का यूज़ कर पाएंगे। तो अगर आप ये फ़ोन ख़रीदते, अगर आप पहले से ही जियो कस्टमर है तो आप 153 का यूज़ कर सकते हैं अपने जियो फ़ोन में। उसके साथ साथ अगर आपको जियो फ़ोन TV केबल को यूज़ करना है तो उसके लिए आपको 309 का रिचार्ज करवाना होगा, तो ही आप अपने फ़ोन से अपने TV में कनेक्ट कर सकते हैं। और अपने अगर आपके पास CRT TV है तो भी आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 309 पर मंथ देना होगा। अगर आपको 153 और 309 का रिचार्ज नहीं करवाना तो यहाँ पे छोटे प्लान भी उन लोगों ने बताया, तो वो है 24 पर 2 डेज और 54 रुपीज़ पर वीक के लिए आपको मिल जाएंगे। तो ये कुछ डिटेल थी जियो फ़ोन के बारे में जो आज मुकेश अंबानी ने लाइव इवेंट में सारे कुछ कहा है। तो अगर आपको ख़रीदना है तो आप 24 अगस्त के बाद प्री बुकिंग में आप अपना फ़ोन बुक करवा दीजिए, लेकिन उसके लिए आपको 1500 रुपये पहले पे करने होंगे, 3 साल के बाद आपको वो वापस मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको फ़ोन 0 रुपीज़ में पड़ेगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई सलाह सुझाव है तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरी चैनल टेक मेनिया को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।